नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एनआईटी में लाठी चार्ज के मुद्दे पर सियासत तेज। बीजेपी की टीम करेगी श्रीनगर का दौरा। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के वकीलों ने किया काम बंद करने का ऐलान। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान का बयान, कहा जांच जारी है, लेकिन भारत ने सुरक्षा बलों से जुड़े गवाह पेश नहीं किए। तंजील हत्याकांड में बड़ा खुलासा, गांव के एक शख्स ने 2 करोड़ की दुकान के विवाद में कराई हत्या। मुनीर नाम के शख्स को दी थी सुपारी, पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल हाईकोर्ट सुना सकती है फैसला। डबल बेंच में चल रही है मामले की सुनवाई। सीसीटीवी में कैद हुई दिल्ली के हिट एंड रन केस की तस्वीरें। सोमवार को मर्सिडीज द्वारा कुचलने से हुई थी सिद्धार्थ की मौत। कार चला रहे नाबालिग और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। बुधवार से शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी। हॉकी के एशिया कप टूर्नामेंट में भारत की जीत के साथ शुरुआत, जापान को 2-1 से हराया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।